धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। कुंभ मेले पर लगातार कोरोना वायरस का संकट भी मंडरा रहा है, जिसके चलते प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। इसी को देखते हुए अब बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्टिंग भी की जा रही है। कई प्राइवेट कंपनियां भी अब टेस्टिंग के कार्य में लगी हैं। कुंभ मेले के स्वास्थ्य मेला अधिकारी अर्जुन सिंह सेंगर का कहना है कि कुंभ मेले में कोरोना के खतरे को देखते हुए साधु संतों की टेस्टिंग की जा रही है और उसमें जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है। साथ ही जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है उनको CCC सेंटर में आइसोलेट कर रहे हैं। देखिए, अभी जो साधु संत जन है काफ़ी लोग, उनका हम लोग रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, तो उस रैंडम सैंपलिंग में कुछ लोग पॉजिटिव आते हैं तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, क्योंकि अधिकतर आश्रम में जो स्वामी जी उनके कक्ष होते हैं, जिनका कक्ष नहीं होगा इनको आइसोलेट करना संभव नहीं होगा, उनको हम CCC सेंटर्स में उनको आइसोलेट करें। काफ़ी लोग ने टेस्टिंग का तो अभी नहीं, कुछ प्राइवेट लैब जरूर आगे आई हैं जो अपना काम कर रही हैं यहाँ पर। वहीं कुंभ मेला IG संजय गुंजियाल का कहना है कि कोरोना को देखते हुए काफी सतर्कता बढ़ती जा रही है। भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करना, बिना मास्क वालों को मास्क वितरण किया जा रहा है, साथ ही पुलिस द्वारा चालान भी किया जा रहा है और बिना रजिस्ट्रेशन के जो हरिद्वार आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। हम लोग विशेष एहतियात रखते हैं और कोविड से रिलेटेड जो गाइडलाइन है उसका पालन कराना, बिना मास्क वालों को हम फ्री में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बड़े लेवल पे किया जा रहा है, साथ में चालान की कार्रवाई भी की जा रही है और जो SOP है उसके पालन में जो लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं उनको भी रोकने की कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न घाट और विभिन्न स्थानों पर भी एरिया वाइज अपने जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा है। इस तरह से जो कंपनीज है वो भी अपने स्तर पर कई बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल के बाद और यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की अप्रूवल के बाद जो भी सेंटर्स या प्राइवेट एजेंसी अगर कहीं टेस्टिंग कर रही है तो उनको पुलिस के द्वारा भी सुविधाएं और उनको अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत है वो प्रदान की जाए। इधर साधु संत भी टेस्टिंग को लेकर काफी जागरूक नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में टेस्टिंग कराने पहुंच रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि ये काफी अच्छी बात है कि शासन की तरफ से इस तरह की सुविधा दी गई है, अखाड़ों में ही टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। ये सरकार का काफी अच्छा कदम है। बाहर से आने वाले साधु संतों को हमारे द्वारा भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। अच्छी बात है, शासन की तरफ से सुविधा दी गई है और अखाड़े में किसी को जाना आना नहीं पड़ रहा है और वैक्सीन का टीकाकरण यहाँ हो रहा है। कोरोना महामारी चल रही है तो उससे बचाव के लिए सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। अब जो भी बाहर से आ रहे हैं, हमारे जैसे हमारे अखाड़े में कोई बाहर से आता है तो मैं पहले उनको रोक लेता हूँ, बताता हूँ भाई अपना टीकाकरण करिए, सैनिटाइजर होइए और उसके बाद अपना आसन लगाइए। ऐसा है, ये हमने प्रशासन से मांग किया था कि कोविड की अभी बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है तो क्यों ना संतों में भी इसकी टेस्टिंग की जाए और वैक्सीन से पर्याप्त है तो वैक्सीन भी लगाई जाए। तो प्रशासन ने हमारी ये मांग को माना, टेस्टिंग किया जा रहा है, टेस्टिंग के पश्चात जो नेगेटिव है उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं देश भर के सभी देशवासियों को आग्रह करूंगा, क्योंकि देखिए बीमारी किसी की सगी नहीं होती है। और दूसरी बात एक और है, हमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को जागृत रखना चाहिए। पूरे देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है और कुंभ मेले पर भी कोरोना का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लगातार धर्म नगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसी को देखते हुए शासन और मेला प्रशासन द्वारा अब साधु संतों के साथ ही बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्टिंग भी की जा रही है, जिससे कोरोना महामारी के प्रकोप को रोका जा सके और इस कार्य की साधु संत भी सराहना कर रहे हैं। पंजाब केसरी TV के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।